Hello, student, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 9, Soil of Science, standard 7. First one is Importance of Soil. What is the importance? Soil supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. We all know very well. कि प्लांट्स जो है वो सोयल के ऊपर ही पूरे ग्रो होते हैं एंड रूट्स जो है वो सोयल को टाइटली होल्ड करके रखते हैं एंड सोयल के अंदर से ही रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फर्दर रूट्स ट्रांसफ़र दिस वाटर एंड मिनरल्स टू द स्टेम एंड फिर स्टेम से वेरियस पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है नाउ इमेजिन कि अगर सोइल नहीं है देन रूट्स जो है वो कहाँ से मिनरल्स और ये वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे इवन उनका ग्रोथ जो है वो भी पॉसिबल नहीं है प्लांट्स अगर ग्रो नहीं होंगे देन हमारी जो लाइफ है वो भी पॉसिबल नहीं है सोइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए भी सोइल एसेंशियल है ज़रूरी है एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल अब एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है फूड प्रोवाइड करता है इवन बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स जैसे कि कॉटन है वो प्लांट्स में से बनते हैं इवन वो हमें शेल्टर भी प्रोवाइड करता है इवन इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम इन आर कंट्री एज वेल तो अगर सोयल नहीं है देन एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है देन जो हमारी लाइफ जो है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सरवाइव सोयल इज दज एंड इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ सो सोईल जो है वो हमारे लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते मीडियम फॉर दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स अब क्या, क्या क्या काम करती है तो अगर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो एज ए मीडियम होता है देन जो भी पूरी इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकलिंग जो न्यूट्रियस का है वो सोइल के अंदर ही होता है लाइक like, कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो डेड होते हैं तो वो सोइल के अंदर जाते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लेयर्स डिपोजिट होते हैं देन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और वी कैन से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स क्या बनता है उसमें से कोल बनता है पेट्रोल बनता है सो so ये सारी प्रोसेस जो है वो सोइल के अंदर होती है इवन कुछ एनिमल्स का वो हैबिटेट भी है लाइक अर्थ फॉर्म्स जो है वो अर्थ के अंदर ही रहते हैं सोइल के अंदर रहते हैं देन इंजीनियरिंग मीडियम लाइक कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं वो भी सोइल के ऊपर करते हैं एंड सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड प्योरीफिकेशन ये वाटर साइकिल जो है वाटर का सप्लाई है प्योरीफिकेशन है बिकॉज जो भी वाटरफॉल होता है प्रेसिपिटेशन होता है रेनफॉल होता है वो पानी सारा अंडरग्राउंड जाता है वहाँ पे वो प्योरीफाई भी होता है सो वी कैन से दैट सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अस Now let's discuss one activity. Now you need to understand what are the types of the soil. अगर आपको types of soil को consider करना है उसको समझना है तो उससे पहले आपको एक activity perform करनी है जिसमें से अलग अलग areas की sand लेके उनको observe करना है Collect some soil samples and observe them carefully. आपको अलग अलग place से soil लेनी है देन उनके जो सैम्पल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है एंड यू नीड टू फिल दिस टेबल जिसके अंदर सोइल सोर्स इट मीन्स आपने कहाँ से सोइल ली वो बताना है देन प्लांट्स जो है वो उसके अंदर थे कि नहीं एनिमल्स कौन कौन से उसके अंदर ऑब्जर्व किए और और क्या ऑब्जर्व किया फर्स्ट वन इज द गार्डन सोइल आपको गार्डन में से कुछ सोइल लेनी है मिट्टी लेनी है फिर उसको ऑब्जर्व करना है क्या देखा उसके अंदर ग्रास लीव्स एंड स्मॉल प्लांट्स तो सॉइल में क्या क्या ग्रो हुआ वो आपने देखा कुछ ग्रासेस थे उसके सॉइल के अंदर मिक्स ग्रासेस थे कुछ लीव्स थे एंड कुछ स्मॉल प्लांट्स थे एनिमल्स आपने कौन कौन से ऑब्जर्व किए एंड्स बेटल्स एंड अर्थ वॉम एंड अदर ऑब्जर्वेशन ये है एनिमल्स ये जनरली सॉइल के अंदर सर्वाइव करते हैं उनका हैबिटेट होता है द सोइल वॉज क्ले एंड वैट अब आपने गार्डन की जो सोइल ली उसको ऑब्जर्व किया तो क्या आपने ऑब्जर्व किया वो क्लेई थी स्टिकी थी एंड वेट थी नेक्स्ट वन इज सोइल फ्रॉम रोड साइड अब आपको रोड साइड से सोइल लेनी है उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो दैट यू नीड टू ऑब्जर्व एंड यू नीड टू फील द टेबल लीव्स एंड रूट्स ऑफ सम ट्रीज अगर आप उसकी सोइल जो है वो नीचे से निकालोगे तो आपको क्या उसके अंदर ऑब्जर्व करने को मिलेगा तो लीव्स एंड रूट्स जो है वो ऑब्जर्व करने को मिलते हैं एंड्स एंड जो बीटल्स है वो इस सॉइल के अंदर रहते हैं रोड साइड के अंदर देन सोयल वाज ड्राई एंड कोर्स जो सोयल होती है ना वो ड्राई होती है और ये कोर्स होती है ये इतनी स्टिकी या इतनी फाइन पार्टिकल्स उसमें नहीं होते है. उसमें ग्रेवल्स भी होते हैं स्टोन्स भी होते हैं नेक्स्ट वन इज सोयल फ्रॉम द एरिया वेर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ की आप सोइल लीजिए उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो स्टोन्स एंड पेबल्स उसमें मोस्टली आसपास कुछ इतने प्लांट्स नहीं होंगे अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो माइट बी पॉसिबल उस सोइल के अंदर प्लांट्स तो नहीं ऑब्जर्व करोगे बट स्टोन्स एंड पेबल्स ऑब्जर्व करोगे देन वॉट अबाउट एनिमल्स माइट बी पॉसिबल वहाँ पे एंड्स जो है वो रहती है द सोइल वॉज ड्राई रफ एंड कोर्स सोईल कैसी थी ड्राई थी रफ थी एंड कोर्स थी देन नेक्स्ट वन इज सोइल फ्रॉम द रिवर बैंक अब आपको रिवर बैंक की जो मिट्टी है वो लेनी है एंड यू नीड टू ऑब्जर्व इट क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पर ग्रास दैन इंसेक्ट्स बेटल्स एंड स्नेल्स मेक भी पॉसिबल की जो नदी के आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें स्नेल्स भी सर्वाइव करते हैं दिस वन इज द पिक्चर ऑफ स्नेल एंड द सोयल वॉज क्ले एंड वेट ये जो सोइल है वो ऑलमोस्ट गार्डन के जो सोयल थी उसी टाइप की आप ऑब्जर्व कर सकते हो इवन इट माइट भी पॉसिबल कि जो सॉइल आप लेते हो उसमें कुछ अलग टाइप के इंसेक्ट्स मिले आपको या तो हो सकता है कि वहाँ पर अर्थवम है या तो एंड्स नहीं रहती है इट डिपेंड्स कि इवन जो भी वहाँ पर सर्वाइव करता है या तो टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स है ट्रीज है वो सब भी वेदर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है सो so, अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का ऑब्जर्वेशन आपको करने को मिलेगा अब ये ऑब्जर्वेशन के बाद हम जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे एट दैट टाइम यू विल कम टू नो कि ये डिफरेंस क्यों है नेक्स्ट वन इज़ यू मे फाइंड पॉलीथीन इन दॉइल यस इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि जब आपने सॉइल को ऑब्जर्व करने के लिए लिया तब उसमें से कुछ पॉलीथीन बैग्स जो होती वो मिली वी नो दैट पॉलिथीन आर डीबायोडिग्रेडेबल हेयर यू कैन सी बहुत सारी पॉलीथींस जो हैं वो सोइल के अंदर यहाँ पर है पॉलीथीन बैगस एंड प्लास्टिक पॉल्यूट दोइल और पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक जो है वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं बिकॉज वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं वो जनरली नॉन डिग्रेडेबल होते हैं वो अंदर डीकम्पोज नहीं होते जल्दी से उनको डीकम्पोज होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दॉयल सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं उनको भी ये मारते हैं इवन कुछ एनिमल्स है कि जो सोयल के अंदर से कुछ भी वो कचरे के अंदर से कुछ इटेबल्स खाते हैं तो उसके साथ पॉलीथिन जो है वो उनके स्टमक में चली जाती है एंड वो डाइजेस्ट नहीं होती है और उनको ऑपरेट करके वो एनिमल्स का ऑपरेशन करना पड़ता है और पॉलीथींस जो है वो निकालनी पड़ती है सो वी केंड से इन दिस वे पॉलिथीन बैग्स जो है वो सॉइल को पॉल्यूट करती है इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म पहुंचाती है वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इन द सॉयल इसीलिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स या तो केमिकल्स होते हैं उनको हमें पहले पूरा फिल्टराइज करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो हियर यू कैन सी कि पानी के अंदर भी बहुत सारा पॉल्यूशन है यहाँ पे फैक्ट्री से डायरेक्टली वाटर जो है वो अगर ऐसे डिपॉजिट करेंगे तो ये पूरा रिवर का जो वाटर है वो पॉल्यूट होगा और इसकी इफेक्ट सोइल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी आती है सो वी नीड टू केयर बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स नेक्स्ट वन इज सोइल प्रोफाइल सोइल इज कम्पोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स अब सोइल जो है ना वो अलग अलग लेयर्स की बनी हुई होती है नाव वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दॉयल प्रोफाइल टेक अ लिटल सॉयल ब्रेक द क्लम्ब विथ योर हैंड्स टू पाउडर इट आपको थोड़ी सी सॉइल लेनी है और उसके जो क्लम्स हैं वो आपको तोड़ने हैं और पाउडर फॉम में बनानी है पूरी सॉइल को नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर थ्री क्वाटल्स फिल वि एंड देन एड अ हैंड फुल ऑफ सॉइल टू इट अब आपको ग्लास लेना है फिर उसके अंदर क्या करना है थ्री क्वार्टर्स वो ग्लास को भरना है फिर उसके अंदर थोड़ी सी जो सोइल है वो डालनी है स्टीर इट वेल विथ स्टिक टू डिजोल्व द सोइल अब आपको अच्छे से हिलाना है ताकि अच्छे से जो सोइल है वो मिक्स हो जाए फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए थोड़े टाइम के लिए सेट होने देना है देन यू नीड टू ऑब्जर्व इट यू मे ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस इस टाइप का आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगा एट द टॉप समेडिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर आर कोल्ड ह्यूमस अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे लीव्स जो है या तो जो एनिमल्स के जो रिमेन्स है डेड एनिमल्स के वो यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलते हैं वो फ्लोट हो रहे हैं टॉप पे और इसको हम ह्यूमस बोलते हैं सो दिस इज ह्यूमस द सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग अब सोइल कैसे फॉर्म होती है तो जो भी रॉक्स है वो ब्रेक होते हैं विंड जब ब्लो होता है तब भी वो ब्रेक होते हैं उसके ऊपर से कंटिन्यूस वाटर का फ्लो जाता है दैन ऑल्सो एट दैट टाइम भी वो ब्रेक होते हैं और क्लाइमेटिक चेंजेस में ये धीरे धीरे ये ब्रेक होते हैं इट इज़ क्वाइट स्लो प्रोसेस ये फास्टर प्रोसेस नहीं होती है और इस प्रोसेस को वेदरिंग बोला जाता है द नेचर ऑफ एनी सोइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट अब सोइल किस टाइप के नेचर की है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है तो कौन से टाइप के वो रॉक्स में से बनी है और इवन उनमें कौन से टाइप के जो वेजिटेशंस है आप वो ग्रो कर रहे हो वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉयल इज कोल्ड द सॉइल प्रोफाइल अगर आप सॉइल को डीग आउट करोगे एक पूरा पीस निकाल के बाहर ले लोगे तो आपको उसमें डिफरेंट जो लेयर्स है वर्टिकल सेक्शन पूरा लोगे तो डिफरेंट लेयर्स दिखते हैं जिसको सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है ईच लेयर डिफर्स इन टेक्स्चर कलर डेफ्थ एंड कैमिकल कंपोजिशन दीज लेयर्स आर रेफर टू एज हॉरिजोन अब यहाँ पे जो उस लेयर्स जितने होते हैं उन सब का आप अगर देखोगे यहाँ पे तो कलर भी अलग होता है टेक्सचर भी अलग है आप उसको फील करोगे टच करोगे तो भी आपको आइडिया आएगा कि इट इज़ डिफरेंट इन सब की डेफ भी आप देख सकते हो डिफ़रेंट है इवन केमिकल कम्पोजिशन डिफरेंट होते हैं केमिकल कम्पोजिशन डिफरेंट है दैट्स वाई ये जो है वो कलर आपको डिफरेंट दिख रहे हैं और ये जितने लेयर्स हैं उन सबको हॉरिजोन बोला जाता है इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अगर पूरी एक केक है ठीक है उसके ऊपर बाहर के साइड पूरा क्रीम लगा हुआ है देन यू कान सी कि अंदर कितने लेयर्स हैं बट आप उसको कट करोगे देन यू कैन ईजिली ऑब्जर्व कि जो लेयर्स है, वो चॉकलेटी लेयर है या तो स्पॉन्जी लेयर है या आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो सिमिलर वे जब हम वेल well को डिग आउट करते हैं, so सोइल को डिग आउट करते हो वेल well बनाते हो तो अगर उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो सॉइल प्रोफाइल है वो वहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलेगी द अपर मोस्ट हॉरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स जो अपर मोस्ट हॉरिजोन होता है वो डार्क कलर का होता है और उसके अंदर ह्यूमस एंड मिनरल्स ज़्यादा होते हैं द ह्यूमस मेक्स द सोइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिय टू ग्रोइंग प्लांट्स और यह ह्यूमस जो है उसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और यह ह्यूमस के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए वो मिलते हैं देस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर इट इज़ कोल्ड द टॉप सोइल और अब ये जो लेयर है वो सॉफ्ट होता है पोरस होता है ताकि जो गैस का एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो ईजी होगा अगर आप उसको वाटरिंग प्रोवाइड करते हो तो वाटर भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा इवन इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है और इस लेयर को टॉप सोइल या तो ए हॉरिजोन बोला जाता है हीयर यू कैन सी ए हॉरिजोन दिस वन दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्च एज रोडेंट्स, मोलस एंड बिटल्स अब ये हॉरिजोन के अंदर बहुत सारे जो मोस्टली एनिम इंसेक्ट्स हैं कि जो सॉइल के अंदर सर्वाइव करते हैं वो इसी रीजन के अंदर करते हैं बिकॉज़ ये पोरस भी है सो so उनके लिए भी रेस्परेशन की प्रोसेस इजी होगी एज वेल एज जो मूवमेंट होती है वो भी काफ़ी ईजी होगी द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटरली इन द सॉइल अब स्मॉल प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो टॉप सॉइल के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं वो वहीं पे फैले हुए होते हैं दिस वन इज ए हरिजन देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स अब जो नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आपको सेकेंड लेयर जो दिख रहा है उसके अंदर ह्यूमस जो है वो कंपेरेटिवली कम होती है बट मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं देश लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज़ कोल्ड बी हॉरिजोन और द मिडल लेयर अब ये जो लेयर है वो प्रीवियस लेयर के कम्पेयर में ए हॉरिजोन के कम्पेयर में ये लेयर जो है वो हार्डर होता है और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है इसको हम बी हॉरिजोन या तो मिडल लेयर बोलते हैं दिस वन इज बी हॉरिजोन और वी कैन कॉल इट मिडल लेयर द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजोन मेडअप ऑफ स्मॉल लम्ब ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेवाइसिस अब आपका जो थर्ड लेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसको सी हॉरिजोन बोला जाता है जिसमें रॉक्स के लम्ब और क्रैक्स होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेवल्स और ऐसे पार्टिकल्स जो है वो होते हैं यहाँ पे दिस विन इज सी हॉरिजोन लास्ट लेयर इज कोल्ड द बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पैड अब जो आपको लास्ट लेयर नीचे दिख रहा है उसको बैड रोक बोला जाता है एंड इसको स्पैड से डिग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ये रोक से बना हुआ होता है दैट्स वाई ये हार्डर होता है नेक्स्ट वन इज सोइल टाइप्स वैदरिंग ऑफ रोक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वैरियस मटेरियल्स इंक्लूडिंग सैंड एंड क्ले अब ये वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है जिसमें रोक्स के अंदर से सोयल जो है उसका कन्वर्जन होता है उसमें सैंड और क्ले भी इंक्लूड होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में दिस सोयल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज अब हम सोयल को कैसे क्लासीफाई करेंगे तो उनके अंदर वेरियस जो पार्टिकल्स है वो कौन सी साइज़ के हैं उसके ऊपर से हम उसको क्लासीफाई करते हैं

वो बड़े हैं पार्टिकल्स तो इनके बीच जो एयर है स्पेस ज़्यादा होती है दैट्स वाई उनके बीच एयर जो है वो ज़्यादा होती है दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ सैंडी सोइल द सेंड इज़ वेल इरेटेड अब सेंड जो है वो वेल well इरेटेड होती है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें से गैसेस एक्सचेंज होते हैं वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सेंट पार्टिकल्स सो सेंट दोल्स टेंट टू बी लाइट वेल इरेटेड एंड रदर ड्राई अब इनके बीच स्पेस ज़्यादा है तो जैसे आप उसके अंदर पानी डालते हो ना तो वो क्विकली एबजॉर्ब भी हो जाता है और इजीली ड्रेन भी वहाँ से होता है इसीलिए सैंडी सॉइल है वो कैसी होती है वो वाटर को होल्ड करके नहीं रखते हैं वो ड्रेन इजीली होने देते हैं दैट्स वाई ये लाइट होते हैं वेल इरेटेड होते हैं बिकॉज पार्टिकल्स बड़े हैं तो बीच में स्पेस ज़्यादा है और ये ड्राई होता है बिकॉज ये वाटर जो है उसको होल्ड करके नहीं रख सकती ये सॉइल इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कोल्ड क्लेरी सॉइल अगर किसी सोइल के अंदर फाइन पार्टिकल ज़्यादा है कंपैरेटिवली तो उसको हम क्ले सोइल बोलते हैं क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर अब क्ले पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं तो उनके बीच ज़्यादा स्पेस नहीं होती है वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले अब वाटर जो है वो इजीली होल्ड होता है इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है इस सोइल की ये वाटर को जल्दी से ड्रेन नहीं होने देता दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सोइल ये सैंडी ऑयल के कंपैरेटिवली वाटर को ज़्यादा वो अच्छे से होल्ड करके रखते हैं इसीलिए ये हेवियर होती है इफ़

अब लोमी सॉइल है उसमें सैंड सॉइल के पे सेंड के भी पार्टिकल्स होते हैं क्ले के भी पार्टिकल्स होते हैं इवन उनके अंदर स्लीड्स भी होते हैं द बेस्ट टॉप सोइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम अब टॉप सॉइल का कौन सा लेयर है जहाँ पे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं दैट इज लोम बिकॉज ये वाटर जो है वो ज़्यादा भी होल्ड नहीं करेगा और ड्रेन भी कम्प्लीटली नहीं होने देगा और यहाँ पे एयर जो है वो बहुत कम नहीं होगी लाइक क्ले सेल के सोइल के अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी बीच में स्पेस है वो बहुत कम है तो गैसेस का एक्सचेंज इजी नहीं होगा बट लोमी सोइल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज भी अप्रोक्सीमेटली जो है वो प्रॉपर होगा स्लीट अकर्स एज इट डिपोजिट इन रिवर बेड्स द साइज़ ऑफ द स्लिट पार्टिकल इज़ बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले अब वाटर जो है वो रिवर के अंदर से जैसे ही वाटर फ्लो होता है तो उनके बैंक ऑफ रिवर पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्लेट्स होते हैं और ये लोमी सोइल के अंदर जो स्लेट्स होते हैं उनकी साइज़ कितनी होती है तो वो सैंडी पार्टिकल से छोटे होते हैं एंड क्ले से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं इन दोनों के बीच में साइज़ होती है द लोमी सोइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट लोमी सोइल के अंदर भी ह्यूमस होता है हीयर यू कैन सी दिस वन इज़ द क्ले सॉइल जिसमें पार्टिकल्स काफ़ी फाइन होते हैं दिस इज लोमी सॉइल एंड दिस वन इज सैंडी सॉइल नाव कैन यू से विच वन इज बैट बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स तो सबसे बेस्ट जो है वो लोमी सॉइल होती है नाव एक्टिविटी नंबर थ्री इज कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्ले लोमी एंड सैंडी सॉइल्स आपको तीनों टाइप के सॉइल के सैंपल्स लेने हैं रिमूव एनी पेबल्स रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट अब उसके अंदर ग्रास है या तो पेबल्स है स्टोन्स है वो सबको आपको रिमूव करना है हटाना है नाउ एड वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप एंड नीड द सॉयल अब आपको उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और उसको नीट करके एक डो जैसे प्रिपेयर करना है ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉयल अब तीनों टाइप की सोइल के अंदर से ना आपको बॉल्स बनाने की ट्राई करनी है देन ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर अब ये बॉल को फ्लेट सरफेस पे रख के उसमें से सिलेंडर बनाने की ट्राई करनी है देन ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर फिर सिलेंडर में से रिंग बनानी है यू नीड टू डू लाइक दिस ऐसे पूरा उसको पहले नीड करो फिर ये डो प्रिपेयर है उसमें से बॉल बनाओ देन उसके अंदर से सिलेंड्रिकल शेप बनाओ एंड रिंग बनाओ अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे तो जो सैंडी सोइल है ना उसकी आप रिंग बनाने जाओगे ना तो वो ब्रेक हो जाएगी क्ले सोइल जो है उसमें से रिंग बहुत अच्छे से बनेगी और लोमी सोइल के अंदर थोड़ी सी रिंग जो है वो बीच में क्रैक होगी सो वॉट वी कैन से फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट कि जो पोर्टर्स होते हैं उनको पोर्ट्स बनाने के लिए कौन सी सॉइल जो है वो मोस्ट सूटेबल रहती है देन आंसर वुड बी ऑब्वियसली क्ले सॉइल क्ले सॉइल जो है उसमें फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं सो पोर्टर्स इस टाइप की सोइल को यूज़ करते हैं सो इट डिपेंड्स कि हमें सोइल जो है वो कहाँ पे यूज़ करनी है वो उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल फर्स्ट प्रॉपर्टी इज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल परकोलेशन रेट क्या है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वॉट अबाउट द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दॉयल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टू अंडरस्टैंड द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर वी नीड टू डिस्कस वन एक्टिविटी ये एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि परकोलेशन रेट जो है वो क्या है कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आपको अलग अलग टाइप की सोइल जो है वो कलेक्ट करनी है प्लेस द पाइप अबाउट टू सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड वेर यू हैव कैप्ड सॉइल अब आपने जहाँ पे भी सोइल रखी है ग्राउंड पे वहाँ पे आपको क्या करना है कि उस सोइल के अंदर ना टू सेंटीमीटर डीपली आपको वो पाइप जो है वो रखनी है पोर टू हंड्रेड मिली लीटर वाटर इन द पाइप स्लोली फॉर मेजरिंग टू हंड्रेड मिली लीटर वाटर यू कैन यूज़ एनी एम टी टू हंड्रेड मिली लीटर बोटल अब आपको क्या करना है कि जो सोइल के अंदर आपने क्या किया कि टू सेंटीमीटर डीप पाइप रखी उसमें आपको धीरे धीरे टू हंड्रेड मिली लीटर जितना पानी जो है वो डालना है और ये मेजर करने के लिए आप एम टी जो है वो बोटल एक्जैक्ट टू हंड्रेड मिली लीटर की ले सकते हो या तो आप वाटर को मेजर करके किसी भी रेंडम एक बोटल में फिल कर सकते हो दैन यू कैन पोर इट हेयर यू कैन सी ये सोइल के अंदर यहाँ पे अंदर एक पाइप है ये यहाँ से वॉटर जो है वो पोर किया जा रहा है नोट द टाइम वैन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर अब आप जिस टाइम पर वाटर पोर करना वाटर अंदर एड करना स्टार्ट करते हो वो टाइम आपको नोट करना है देन वैन ऑल द वॉटर हैज़ परकुलेटेड लिविंग पाइप एम टी नोट द टाइम अगेन अब आपने बोटल में से वो पाइप में धीरे धीरे पानी डाला वो पाइप कम्प्लीटली एम्प्टी हो जानी चाहिए इट मींस टू हंड्रेड मिलीलीटर वाटर जब आप उसके अंदर परकोलेट करते हो डालते हो उस टाइम वो टाइम आपको नोट करना है यू में ऑब्जर्व कि अलग अलग टाइप की सॉइल के अंदर ना वाटर का जो परकोलेशन रेट है वो डिफरेंट होगा वो आपको नोट डाउन करना है सो हाउ वी कैन डिफाइन परकोलेट परकोलेशन रेट परकोलेशन रेट इज मेजर्ड इन मिली लीटर पर मिनट इज इक्वल्स टू अमाउंट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर और डिवाइड बाय परकोलेशन टाइम इन मिनट्स इट मींस परकोलेशन रेट इट मींस कितने अमाउंट का वाटर डाला और वो अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट होने में जितना टाइम होता है इन दोनों के रेशियो को परकोलेशन रेट बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टुक ट्वेंटी मिनट फॉर टू हंड्रेड मिलीलीटर टू परकोलेट अब मान लो कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोईल ली है डिफरेंट प्लेसेस से और आपने उसको पर, उसमें टू हंड्रेड मिली लीटर परकोलेट किया उसमें सपोज ट्वेंटी मिनट्स टाइम लगा दैन परकोलेन रेट क्या हुआ दैन परकोलेन रेट इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड बाई ट्वेंटी विच इज़ इक्वल्स टू टेन मिली लीटर पर मिनट परकोलेशन रेट मीन्स द रेट ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द सॉइल अब वाटर के अंदर सॉइल की कितनी जो मूवमेंट होती है उसको परकोलेशन रेट बोला जाता है परकोलेशन रेट इज़ हाइएस्ट इन देंडी सोइल एंड लिस्ट इन द कले सोयल हमने सेंडी सॉइल एंड क्ले सोइल की करेक्ट्रिस्टिक जो है वो प्रीवियस सेशन के अंदर स्टडी की थी राइट वहाँ पर हमने देखा था कि सैंडी सोयल जो है ना उसके पार्टिकल्स कंपेरेटिवली बड़े होते हैं और इनके बीच ना एयर होती है सो वहाँ पर वाटर इजिली परकोलेट हो सकता है बट क्ले सोइल के अंदर बीच में जो स्पेस है वो कम होती है दैट्स वाई ज़्यादा वाटर परकोलेट नहीं होता इसीलिए क्ले सोइल के अंदर परकोलेशन रेट जो है वो लिस्ट यानी कि सबसे कम होती है द सेंडी सोइल अलाउज़ द रेन वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट इसीलिए सैंडी सोइल जो है ना उसके अंदर रेन वाटर ईजीली नीचे जो है वो पहुँचेगा बिकॉज उसका परकोलेशन रेट जो है वो फास्टर होता है वो वाटर को रिटेन करके नहीं कर रख सकता वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता नाउ नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन सॉइल अब सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो आपको अगर ऑब्जर्व करना है देन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट उसके लिए भी एक एक्टिविटी डिस्कस करनी है टेक अ बॉइलिंग ट्यूब पुट टू स्पूनफुल ऑफ A soil sample इन इट एंड हीट it ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट अब आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है उसमें आपको ना दो चम्मच भर के ना सोइल जो भी आप सैंपल के लिए चूज़ करते हो वो डालनी है फिर उसको ना गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है व्हाट यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे सॉइल का सैंपल है जैसे ही उसको गर्म करोगे देन सोइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है तो क्या होगा जैसे ही सोइल गर्म होती है तो वो वाटर इवेपरेट होना स्टार्ट होता है राइट right? वो इवेपरेट होके ऊपर जाएगा और ऊपर की सरफेस कंपैरेटिवली कूलर होती है तो वहाँ पे जाके वाटर कंडेंस होता है ऑन हीटिंग वाटर इन द सोइल इट्स मूव अप एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब अब सोयल गर्म हुई एज आई सेड यहाँ पे जो वाटर है वो इवेपरेट होगा और ऊपर जाके यहाँ पे कंडेंस होता है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि जब भी, भी किसी भी सब्सटेंस को आप गर्म करते हो तो वो लाइटर होता है एंड इट मूव अपवर्ड्स सो ये वेपर जो है वो ऊपर जाएगी ऊपर जाके ये कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपको जो वाटर है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा सो so इस एक्टिविटी से हम क्या कन कंक्लूड करेंगे हम यही कंक्लूड करेंगे कि सोईल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है on a hot summer day the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to shimmer ab garmi ke days ke andar kya hota hai ki water जो है ना soil के अंदर जो moisture content है वो उसके अंदर water जो है वो evaporate होके surface के ऊपर आता है और जो air जो उसके ऊपर होती है उसको अगर आप देखोगे तो वो शिमर थोड़ी साइनी होती है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर इवन नाउ इफ़ यू कंपेयर दिस सोइल विद दी प्रीवियस वन आपने जो ये गरम कीना सोइल उसको ठंडे होने दो इसके बाद ये सोइल को आपने ओरिजिनली जहाँ से सैंपल लिया था वो सोइल के साथ कंपेयर करोगे देन यू मे फील कि जो आपने गरम कीना वो सोइल कम्प्लीटली ड्राई है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है सो वो एकदम से पाउडर फॉर्म में हो जाएगी और वो एकदम से ड्राई होगी बिकॉज उसके अंदर से जो भी मॉइस्चर कंटेंट था वो इवेपरेट होके ऊपर टेस्ट ट्यूब पे चला गया नाउ नेक्स्ट वन इज एब्बॉर्बशन ऑफ वाटर बाय सोइल अब सोइल जो है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है वो हमें डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल के अंदर For this also we need to discuss an activity. Take a plastic funnel, take a filter paper, fold and place it on the beaker. आपको एक प्लास्टिक के फनल लेनी है, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लेके, उसके ऊपर फोल्ड करके बीकर पे रखना है. Then weigh 550 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. अब आपको फिफ्टी ग्राम जो है वो ड्राई पाउडर्ड सोइल लेनी है अगर लम्स है तो उसको आप ब्रेक करके पाउडर के फॉर्म में लाओगे फिर फनल के अंदर से पोर करके बीकर में डालनी है पोर वाटर ऑल ओवर द सोइल कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग सब द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ अब आपको पानी लेना है आप पानी लेके उसके अंदर ड्रोपर की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि पोर कर सकते हो बट एक ही जगह पे पूरा पानी नहीं डालना है आपको वो ओवरऑल सोइल के अंदर डालना है एक टाइम ऐसा आएगा कि सोइल जो है ना वो अब उसके अंदर ड्रिपिंग स्टार्ट होगा वो अब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो आपने जब स्टार्ट किया ना उसके अंदर वाटर पोर करना उससे पहले आपको वाटर की कितनी क्वान्टिटी है वो मेजर करनी है देन ड्रिपिंग जैसे ही स्टार्ट होता है आप पानी देखते ऊपर की सरफेस में उस टाइम पे कितना पानी बचा अब आपके पास वो भी आपको नोट डाउन करना है दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाई सोइल अब आप दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे कि स्टार्टिंग में कितना पानी था और कितना पानी बचा इट मीन्स उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई सोइल राइट तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर जो आपको मिलेगा वो क्या हुआ सोइल ने उतना वाटर जो है वो रिटेन किया सो so, इसके ऊपर से आप सोइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हो वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू फिफ्टी ग्राम हमने ये एक्टिविटी के अंदर फिफ्टी ग्राम सॉइल ली थी राइट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू यू मिलीलीटर। सपोज इनिशियल जो भी आपके पास है उसको हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ यू देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल्स टू वी एम एल फाइनल जितना पानी बचा वो वी एम एल है सपोज देन वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोइल इज इक्वल्स टू यू माइनस वी मिलीलीटर तो कितना रिटेन हुआ कितना एब्जॉर्ब हुआ दैट इज यू माइनस वी इनिशियल माइनस वॉट एवर वॉज द लेफ्ट क्वांटिटी वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सोइल इज इक्वल्स टू यू माइनस वी ग्राम अब इसको हमने क्या किया मिलीलीटर को हमने वेट जो है उसके यहाँ पे वॉल्यूम था नीचे हमने वेट के टर्म्स में लिया है और वेट जो हमने कंसीडर किया है दैट इज़ वन मिलीलीटर इज इक्वल टू वन ग्राम सो यू माइनस वी मिलीलीटर वाटर है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यू माइनस वी ग्राम नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू यू माइनस वी डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉइल अब जो भी मतलब जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल आप करोगे तो उतना परसेंट वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ दैट वी कैन से एंड इन आर एक्टिविटी वेट ऑफ सॉइल वाज़ फिफ्टी ग्राम सो इट इज़ यू माइनस वी डिवाइड बाय फिफ्टी नाउ सोइल एंड क्रॉप्स हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू ये डिस्कस किया कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है परकोलेशन रेट क्या है नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड क्रॉप्स अब हमें क्रॉप्स ग्रो करने हैं देन कौन से टाइप की सॉइल है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो हम यहाँ पर अब ये डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर जो ये जियोलॉजिकल आप लोकेशन भी देखो तो काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है कुछ पार्ट्स के अंदर हिली एरियाज हैं लाइक like राजस्थान जैसा अगर स्टेट है देन इट इज़ डेजर्ट तो कहीं पे जो है वो एकदम से फर्टाइल सोइल है कहीं पे बैरन है तो वी नीड टू डिसाइड कि कौन से टाइप के क्रॉप्स के लिए कौन सी सोइल जो है वो बेटर होगी सोइल इज़ अफेक्टेड बाई विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट एंड ह्यूमिडिटी ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसको सोइल जो है वो इफेक्ट करती है द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोन ऑफ सोइल डिटरमाइंस द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन अब किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन से टाइप के क्रॉप्स ग्रो करने हैं या तो कौन से टाइप्स के वेजिटेशन जो है वो पॉसिबल है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे तो पहले तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक वहाँ पे रेनफॉल कितना है टेम्परेचर कितना होता है मॉइस्चर जो है वो वो ह्यूमस है कि नहीं जो भी एटमोसफियर है वो ह्यूमिडिटी कितनी है सोइल के अंदर ह्यूमस कितना है देन सोइल के अंदर कितने कंपोनेंट्स है लाइक like वो सैंडी सोइल है क्ले है या लोमी है ये सब कुछ देखने के बाद ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं क्ले एंड लोमी सोइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल लाइक वीट एंड ग्राम अगर हमें वीट या ग्राम को ग्रो करना है देन क्ले एंड लोमी ये दोनों सोइल जो है वो सूटेबल होती है और ये सोइल के साथ साथ हमें एटमोस्फेरिक कंडीशन जो है वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन को भी कंसिडर करना होता है फोर पेडी डी सॉइल्स रीच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल अब हमें पेडी को ग्रो करना है तो किस टाइप की सोइल चाहिए जिसके अंदर क्ले ज़्यादा है ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि ह्यूमस ज़्यादा है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए वी नो वेरी वेल कि क्ले सोइल जो है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है सो वी कैन से दैट कि पेडी के लिए क्ले सोइल जो है वो सूटेबल होती है फॉर लेंटल्स एंड अदर पर्सेज लोमी सोयल्स विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड अब लोमी सोयल जो है वो कहाँ पर सूटेबल है तो वो पल्सेज एंड लेंटल्स के लिए है बिकॉज पल्सिस और लेंटल्स के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि वॉटर जो है वो ड्रेन होना चाहिए वो कंटिन्यूस वो रिटेन करके नहीं रखना चाहिए दिस वन एज द फील्ड ऑफ द पल्स फोर कॉटन सैंडी लोम और द लोम Which drain water easily and can hold plenty of water are more suitable. अब कॉटन के लिए कैसी ऐसी चाहिए जो वाटर ड्रेन भी करना चाहिए और उसको होल्ड भी कर सके ऐसी होनी चाहिए अगर सिर्फ आप वाटर जो है वो ड्रेन करें ऐसी सोयल की बात करें देन सैंडी सोयल जो है उसके अंदर तो वाटर जो है वो ड्रेन इजी होता है बट वो होल्ड नहीं कर सकता ज़्यादा टाइम के लिए वो तुरंत ही परकोलेट हो जाता है वाटर सो so, सैंडी लोम या तो लोमी सोइल कम्प्लीटली सैंडी सोइल जो है वो कॉटन के लिए सूटेबल नहीं होती है दिस वन इज़ द फील्ड ऑफ कॉटन नाउ नेक्स्ट इज सोइल इरोजन नाउ वॉट इज सोइल इरोजन द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नॉन एज इरोजन अब लैंड की सरफेस के ऊपर वाटर विंड या आइस से क्या होगा कि जो अपर लेयर है ना वो पूरा इरोज हो जाता है वो रिमूव हो जाता है उसको हम इरोजन बोलते हैं प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड दॉइल इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सोईल बिकम्स लूज सो इट कैन बी मूव बाई विंड एंड फ्लोइंग वाटर वी नो वेरी वेल की जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो सोइल को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं बाइंड करके रखते हैं अगर हमने किसी प्लेस पे ज़्यादा ट्रीज़ या तो प्लांट्स ग्रो नहीं किए हैं तो वहाँ की जो सोयल है वो एकदम से अच्छे से बाइंड नहीं होगी वो सोइल काफ़ी लूज़ होगी सो so, इस टाइप की जो सोयल है वो विंड या तो वाटर भी उसके ऊपर से फ्लो हाई वेलोसिटी से होता है देन ईज़िली वो सोइल जो है वो उसका अपर लेयर जो है वो रिमूव होगा वो सोइल जो है वो ईजीली इरोज होती है इरोजन ऑफ सोइल इज़ मोर सीवियर इन एरियाज़ ऑफ लिटल or नो सरफेस वेजिटेशन such एज डेजर्ट और bare lands अब जो ये इरोजन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो जहाँ पे सरफेस वेजिटेशन नहीं है मतलब हमने वहाँ पे कुछ प्लांट्स भी ग्रो नहीं किए हैं ना ही तो कोई वेजिटेशन ग्रो किए हैं जैसे कि डेजर्ट है या तो बैर लैंडस है पूरी खाली बंजर ज़मीन है तो उस टाइप की जगह पे इरोजन जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सो कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड डीफॉरस्ट्रेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज़ हम क्या कर रहे हैं डे बाई डे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ट्रीज़ को कट कर रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन जो है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है बट इसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए और हमें ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि जो भी पूरा एरिया है वो ग्रीन एरियाज रहे इट मीन्स एटलीस्ट वहाँ पे ग्रास या वेजिटेशन या स्मॉल प्लांट्स होने चाहिए जिससे सोइल जो है उसका इरोजन ना हो और डेजर्टिफिकेशन जो है वो ना हो हियर यू कैन सी कि अगर ट्रीज कट किए हैं तो ऑलमोस्ट ये जो लैंड है वो पूरे डेजर्टिफिकेशन इसका हो चुका है विच इज़ नॉट गुड नाउ नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग पॉट्स अब पोर्ट्स कैसे बनते हैं सॉइल के अंदर से कलेक्ट ब्लैक सोइल एंड सोक अराउंड एट आर्स अब क्या किया जाता है पोर्ट्स बनाने के लिए कि बेरन प्लेस से ना ब्लैक सोयल को कलेक्ट किया जाता है और ऑलमोस्ट उसके अंदर से जो भी पेबल्स है या जो भी डस्ट है उन सबको रिमूव करके उसको सोक किया जाता है भिगोया जाता है एट आवर्स के लिए दिस सोइल वुड बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स स्टंग अब उसके अंदर हॉर्स का डंग जो है वो ऐड किया जाता है फिर उसको नीड किया जाता है बर्न हॉर्स डंग हेल्प्स ओपन अप्स द पोर्स इन दिस सोइल सो दैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द पोर्ट्स इवेपोरेट एंड कूल्स द वाटर इनसाइड नाउ क्वेश्चन इज हॉर्स डंग हम क्यों ऐड करते हैं बिकॉज हॉर्स डंग जो ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि सोइल के जो पोर्स होते हैं उसके अंदर टाइनी पोर्स वो ओपन अप होते हैं सो so वाटर जो है वो इजीली परकुलेट होता है बाहर आ जाता है इवर्परेट होगा और क्या होगा कि जो अंदर का पानी है मटके का वो अच्छे से ठंडा होता है द नीडेड सोइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन अप्रोप्रिएट शेप अब क्या किया जाता है नीडेड जो सोइल है उसको एक व्हील के ऊपर रखा जाता है एंड फिर उसको अप्रोप्रिएट शेप दिया जाता है फिर थ्री डेज के लिए उनको एयर के अंदर ड्राई करने के लिए रखते हैं एंड उसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी करते हैं ऑल आइटम्स आर बेग्ड एट हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग इन दी एयर थ्री डेज उसको ड्राई करने के बाद उसके ऊपर डिज़ाइन की जाती है फिर उसको हाई टेम्परेचर पे बेक किया जाता है एंड ऐसे बोर्ड्स जो है वो रेडी होते हैं सो वी हैव कम्प्लीटेड डिस्कशन ऑफ एंटायर चैप्टर थैंक यू